Good morning, dear students. Welcome in awesome online classes. Now, third type of plant fibers, मूंज. मूंज एक तरह का plant fiber है जिससे हम fiber प्राप्त करते हैं या जिससे हमें fiber मिलता है. इसके चरम मूंजा, known as मूंजा, is a grass found in arid areas and along river banks in India. तो ये इसका नेम है जिसको मूंजा भी कहा जाता है. ग्रास होती है घास जो पाई जाती है अरिड एरिया में एंड अलोंग रिवर बैंक्स मतलब नदियों के किनारों पर इंडिया में ये पाई जाती है. इट इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम मूंज ग्रास. ये मूंज ग्रास से बनाया जाता है फाइबर. इट ग्रोज अप टू 2 meter 7 feet इन हाइट. इनकी जो लंबाई है वो 7 feet तक होती है. इट्स वाइट फ्लावर्स आर ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू. इट इज़ ए मोनोकोट प्लांट. इसके जो सफ़ेद फूल हैं उनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है, काफ़ी महंगे होते हैं. इट इज़ ए मोनोकोट प्लांट. इसमें एक ही कोटिंग होती है, एक ही कवर होता है. इन राजस्थान इट इज़ मेनली फाउंड इन नागौर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, भरतपुर एसेट्रा डिस्ट्रिक्ट. तो ये राजस्थान में नागौर, बीकानेर, सीकर, यहाँ पर झुंझुनू यहाँ पर मिलता है. मैनी मूंज आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड एट कॉमर्शियल लेवल इन मूंज बेस्ड स्मॉल इंडस्ट्री इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. बहुत सारी मूंज आर्टिकल्स हैं वो प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं कॉमर्शियल लेवल पर. मूंज बेस्ड बहुत छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्री है अजमेर में, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में जो राजस्थान में है. इट इज़ स्ट्रेंथिंग द इकोनॉमी ऑफ द एरिया. इससे वहाँ पर पैसे का अच्छा आदान प्रदान होता है, उसको मजबूती प्रदान करता है, पैसा आता है जाता है. द फाइबर्स ऑफ मूंज आर कोर्स एंड रफ. तो जो फाइबर्स होते हैं मूंज के वो कोर्स और रफ होते हैं. रफ स्मूथ नहीं होते हैं, रफ खुरदरे होते हैं. इसके चरम मूंजा इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर टेचिंग रूफ्स. टेचिंग रूफ्स मतलब ये रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है इसको, रूफ को सही करने के लिए, रूफ के लिए. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बास्केट. इसको बास्केट बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है. द प्लांट इज मेडिकिनल वैल्यू. इससे मेडिकल में भी इसको यूज़ किया जाता है, दवाइयों में. इट्स फाइबर इज यूज फॉर मेकिंग रोप्स. इसके फाइबर को रस्सियाँ बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज बाय लो इनकम. इसको लो इनकम के द्वारा यूज़ किया जाता है. लोकल्स फॉर मेकिंग रोप्स, रोप रस्सियाँ बनाने के लिए. हैंड फेंस हाथ के पंखे बनाने के लिए. बास्केट बनाने के लिए. ब्रूम्स झाड़ू बनाने के लिए. मेट हट झोपड़ियाँ. शील्ड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब फसलों को बचाने के लिए भी इतनी सारी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं. द स्टेम ऑफ दिस प्लांट, जो स्टेम होती है इस प्लांट की उसको नोन एज सरकंडा इन लोकल लैंग्वेज. तो लोकल भाषा में उसको सरकंडा कहते हैं जो इसका स्टेम होता है इस प्लांट का. इज यूज टू मेक ट्रेडिशनल फर्नीचर. ट्रेडिशनल फर्नीचर बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. एंड वेरियस डेकोरेटिव आइटम्स और दूसरे जो सजाने के आइटम्स हैं डेकोरेटिव आइटम्स उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है. स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन फाइबर्स. तो स्पिनिंग और वीविंग प्रोसेस होता है जिसको कॉटन फाइबर से हम कपड़े बनाते हैं. एज वी नो हम सब जानते हैं दैट यार्न इज़ मेड फ्रॉम फाइबर्स. तो यार्न बनता है फाइबर से.
लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी करते हैं हम इसको समझने के लिए. एक्टिविटी 3, होल्ड सम कॉटन इन वन हैंड. एक हाथ में कुछ कॉटन लीजिए. पिंच सम कॉटन बिटवीन फोर फिंगर्स और फोर फिंगर से उसको थोड़ा दबाइए, जैसा ये डायग्राम में बताया गया है. ऑफ द अदर हैंड नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स लाइक यू डू फॉर मेकिंग थ्रेड फॉर लेंथ. तो उसको जेंटली स्टार्ट करिए पुल करना, खींचना धीरे धीरे, और कॉटन को कंटिन्यूसली ट्विस्ट करिए, धीरे धीरे उसको ट्विस्ट करते जाइए, मोड़ते जाइए. फाइबर लाइक यू मेकिंग थ्रेड, आप लैंप के लिए एक ऐसा थ्रेड बना रहे हैं लैंप जलाने के लिए. ग्रेजुअली ए यार्न और थ्रेड इज फॉर्म, तो यार्न या थ्रेड उसका बन जाएगा. थैंक यू.